Hello guys, in the NCERT in text question series, now I have with 12th class chapter number 1, Reproduction in Organisms. First page pe question diya hua hai, and the question is that no individual is immortal except single-celled organisms. Why do we say there is no natural death in single-celled organisms? Yani ki ye pucha ja raha hai ki kyon single-celled organisms mein death, natural death jaisi koi cheez nahi hoti, wo immortal rehte hain. सो गाइज, आपको इसका आंसर कैसे करना है, याद रखिए कि हम यानी कि सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअली, यानी कि हम में दो गैमीट्स बनते हैं मेल और फीमेल के, और दोनों के अंदर अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स होते हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक जाते हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स में. यानी कि अगर पेरेंट के में से किसी की डेथ होती है तो उनके कैरेक्टरिस्टिक ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उनके कैरेक्टरिस्टिक सेव नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म में. उनके ऑफस्प्रिंग में भी उनके और एक और पेरेंट के मिलकर के कैरेक्टरिस्टिक गए हैं. जबकि अगर हम कहते हैं कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो रिप्रोडक्शन करता है तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, उसके सारे कैरेक्टर्स उसके ऑफस्प्रिंग में होते हैं. तो यदि वो मरता है, यानी अगर वो सेल ख़त्म हो जाती है, तो ऑलरेडी उसके जैसी एक सिमिलर सेल पहले से प्रेजेंट है, और ऐसी बहुत सारी सेल्स पहले से प्रेजेंट है जो एग्जैक्ट कॉपी है, क्लोन है अपने पेरेंट का. इसलिए हम कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कभी मरता नहीं है, उसकी कभी डेथ नहीं होती. थैंक यू गाइज़.